इतनी भीड़ तो आज तक मैंने ना देखी अपने शोरूम पर। और यार ये ऑब्वियस सी बात है, इतनी सस्ती गाड़ियां मैं बेच रहा हूँ इसलिए ये सारी भीड़ आ चुकी है। के दिन मैं सभी को फ्री में गाड़ियां दूंगा, क्योंकि ये क्रिसमस का टाइम तो मुझे पता ही चला गया है। और यार देखो घुंटेच में, वो भाई घुंटेच में अराउंड $20 का खर्चा था, इसमें $300 का खर्चा आ गया भैया। न्यू अपडेट मतलब काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं इस गेम में और काफ़ी मेरे को पसंद भी आ रहा है। सो गाइस, स्वागत है तुम्हारा फिर से एक और बार कार्स फॉर सेल में। और यार आज के दिन हम करने वाले फ्री में गाड़ियों को डोनेट, मतलब कि आज के दिन ना हम गाड़ियों को बेचने वाले बिल्कुल ही कम प्राइस में। मतलब कि यार तुम लोग सुप्रा ले जाओ $25 में, तुम लोग जैगवार ले जाओ $20 में। और यार मैं तुम्हें मेरा क्रिसमस का गिफ्ट दिखाता हूँ जो कि मेरे कुछ सांता क्लॉज ने दिया। और लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम माय मज़्डा RX-7। यार ये कितनी प्यारी कार है, मतलब कि यार ये तुम लोगों ने टोक्यो ड्रिफ्ट में देखी होगी। और यार ये कार ना उस ये बहुत ही प्यारी है यार, इसका एक बार ना साउंड सुनो तुम लोग, इतना प्यारा साउंड है। और यार इसकी ड्राइविंग क्वालिटी भी एक नंबर है। और यार अभी ना तुम्हें मैं ऑफिस में ले जाकर तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, क्योंकि यार तुम लोग भी उसे देख कर कहने वाले हो भाई साहब क्या मौज कर दी। मतलब कि यार आज के दिन ना हम लोग काफ़ी बढ़िया बढ़िया कार्स को सस्ते में बेचने वाले हैं, जैसे कि लैम्बोर्गिनी होगी, फरारी होगी, हमारे पास टेस्ला मॉडल भी पड़ी हुई है जो कि भंगार है, जैसे मैं भी नहीं चाहता उसे, मैं फ्री में ही देना चाहता हूँ, बट कोई लेगा नहीं इसलिए थोड़े बहुत पैसे लगा देते हैं, कोई पागल अमीर आकर ले जाएगा। खैर कोई नहीं, अभी यहाँ से निकलते हैं। और यार आज के दिन कार मार्केट भी ओपन है, बट मैं आज नहीं कार मार्केट में जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी कार्स है जिसको मैं अभी बेचने वाला हूँ। सो अभी इन सभी कार्स को ख़रीदने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो जल्दी से चलते हैं अपने ऑफिस में और तुम्हें आज मैं दिखाता हूँ कि अपना ऑफिस कितना प्यारा हो चुका है आफ्टर न्यू अपडेट, मतलब काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं इस गेम में और काफ़ी मेरे को पसंद भी आ रहा है। और देख लो यार ये है अपना ऑफिस, तुम्हें पता ही अपने ऑफिस के बारे में। और ये अपना बेरोजगार इंजीनियर यहाँ पर काम करते हुए, ये अपना आ गया शोरूम जस्ट कार, यहाँ पर खड़ी हुई है टोयोटा सुप्रा MK5, दो होंडा सिटी जिसमें एक ड्रिफ्ट कार है और एक रेसिंग कार है, और यहाँ पर खड़ी है पोर्श 991 GD, एक विंटेज कार और एक टेस्ला मॉडल 3 और अपनी प्यारी मज़्डा RX-7। अभी यार मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने वर्कशॉप, यानी कि अपनी नहीं है किसी और की है, पप्पू भैया की अपने, बट वहाँ पर भी अपनी काफ़ी सारी कार्स खड़ी हुई है। अराउंड चार गाड़ियाँ मेरी वहाँ पर खड़ी हुई है, जिसमें से एक लैम्बोर्गिनी कुंटेच है, फिर एक विंटेज कार है और एक टेस्ला मॉडल 3, मतलब काफ़ी सारी कार्स है यार, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मेरी ये देखो वॉक्सवैगन की बीटल खड़ी है, मेरी कुंटेच खड़ी हुई, ये मेरी पुरानी सी कार जिसको मैंने यहाँ मॉडिफाई कर मतलब रिपेयर करने के लिए दिया था, अब मॉडिफाई मैं करवाऊँगा इसे लेकर। जल्दी से चलते हैं अपन, तो अभी निकलते हैं यहाँ से और अपनी इस विंटेज कार को ना परफेक्ट परफॉर्मेंस कार बनाकर अपन कस्टमर को बहुत ही लो प्राइस में देगा। और इस टेस्ला मॉडल 3 में भी शायद से कोई ख़राबी नहीं है, मैंने रिपेयर करवा ली थी सुबह ही, जो भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो चुकी होगी अब तक। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, लेट्स गो भैया, जल्दी जल्दी जल्दी। देख रहे हो तुम्हारे भाई की ड्राइविंग, मतलब कतई छूने ना दूंगा किसी को। अभी कुंटेच को जाने देते हैं रिपेयर होने के लिए और इस बीटल को भी जाने देते हैं, तब तक मैं इन दोनों कार्स को मॉडिफाई करवा दूंगा, ये दोनों जब तक रिपेयर होएगी। चल भैया कुंटेच रिपेयर कर डालो। और भाई चचा की हालचाल, आप ना मेरी बीटल को ठीक करो। यार देखो कुंटेच में, वो भाई कुंटेच में अराउंड $20 का खर्चा था, इसमें $300 का खर्चा आ गया भैया। ये घाटे का सौदा पड़ेगा ये, मतलब आज के दिन सांता क्लॉज बनना ना बहुत महंगा पड़ने वाला है मेरे को। मैं देखो ये सभी कार्स का ना मैं तुम्हें एक एस्टिमेट प्राइस बता देता हूँ, ये सभी कार जो यहाँ वर्कशॉप में खड़ी हुई है ये अराउंड $6,00,000 की है, और जो मेरे शोरूम पे पड़ी है वो भी अराउंड $6,00,000, यानी कि $12,00,000 ये कार्स है। मतलब वो भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ही महंगी महंगी कार्स है यार ये। खैर कोई नहीं, अभी इस कार को मॉडिफाइड करवा देते, इसमें बढ़िया से अलॉय डलवा देते हैं BMW वाले, इसे देखने के बाद कोई भी बंदा फ्लैट हो जाएगा और इसे यूं ही जितने भी महंगे प्राइस में बेचना चाहूँ मैं बेच सकता हूँ। बट आज के दिन मैं सभी को फ्री में गाड़ियाँ दूंगा, क्योंकि ये क्रिसमस का टाइम तो मुझे पता ही चला गया है और मैं क्रिसमस के बाद ही इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि क्रिसमस के ऊपर तुम्हारे भाई की थोड़ी तबीयत खराब थी, बट कोई नहीं
अभी इस कार को ना मस्त सा रेड कलर कर देते रे बाबा, और ये वाला रेड नहीं ये वाला रेड, ठीक है। अब इसको अपन पॉलिश करवा देते इतने लेवल पे, और बढ़िया एकदम से कार लगने लगी है सुपर। अब इस कार को अपन भिजवा देते अपने ऑफिस में, एंड लेट्स गो। भी यहाँ पर टेस्ला मॉडल 3 खड़ी है, उसको भी लेकर चले जाते और इसका भी मॉडिफिकेशन करवा देते। ओके गाइस, तो अपनी सभी कार्स हो चुकी है मॉडिफाइड, और अभी मैं इस बीटल को लेकर जा रहा हूँ ऑफिस पर, क्योंकि ये मेरे को अभी इन सभी कार्स को अच्छे से लगाना है। फिर मैं अपनी मज़्डा को उठा जाऊँगा और फिर इन सभी कार्स को अच्छे से अपन लगा देते हैं। अभी मज़्डा को भी उठा के आते हैं। भैया मेरी RX 7 बहुत ही प्यारी कार है यार, मैं उसे नहीं छोड़ू ऐसे ही। और यार इन वर्कशॉप वालों के भरोसे ना छोड़ पाऊँ, क्योंकि इनकी खुद की कार यहाँ पर लटक रही है, देख रहे हो तुम लोग। और एक और बात, ये मज़्डा RX 7 ना रेयरेस्ट कार में से एक है इस गेम की, जो कि अपने पास है। मतलब तुम लोग जानते हो अपन कितना लकी है। और मेरे पास ना यार एक GTR भी थी, बट उसको मैं रेस में हार चुका हूँ। बट कोई नहीं, जितना तो लगा रहता है रेसिस में, बट अपन कुछ कर नहीं सकते उस बात का। अभी अपनी RX 7 को बाहर की ओर ही लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को इन सभी कार्स को भी अंदर लेना है, इसीलिए बाद में RX 7 को अच्छे से लगा देंगे अपन। ओके, अभी लैम्बोर्गिनी कॉन्टैच, और ये गाड़ी ना मेरे को अराउंड $6 लाख की पड़ी है के लिए ये गाड़ी। मतलब तुम लोग समझ सकते हो मेरी हालत क्या टाइट हो रखी है। इस कार का मैं तुम्हें अभी सभी कार्स के मैं प्राइस भी दिखाऊंगा तुम्हें। ऐसा नहीं हूँ कि यार मैं झूठा हूँ, तुम्हें दिखाऊंगा। और सच्ची में ये सभी कार्स ना मैं आपके दिन बहुत ही सस्ते में बेचने वाला हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा करके मेरे को क्या मज़ा आ रहा है, बट मज़े करेंगे ऐसे ही। अमीर होने के भी अलग फ़ायदे हैं भैया, ऐसे मज़े ले सकते हो तुम लोग अपने पैसों को उड़ाकर। अब ये टेस्ला मॉडल 3 को भी यहीं पे लगा देते, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास एक टेस्ला मॉडल 3 है रेड कलर में, और ये मैंने जानबूझ के इसी कलर में लिया क्योंकि ईवी है, दिखना चाहिए कि ईवी है। ये अपनी पुरानी सी विंटेज कार को भी अंदर लेके आते हैं, जिसका नाम है लैंड मास्टर या कुछ ऐसा ही नाम है इसका, मेरे को नहीं मालूम। इसको जल्दी से अंदर की ओर लेकर चलते हैं। और इसको अपन कहाँ पार्क करें रे बाबा, बहुत दिक्कत है, पार्किंग ही नहीं है अपने पास इतनी बढ़िया। और आज के दिन ना मैं सोच रहा हूँ पार्किंग को भी अपग्रेड कर दूँ, मतलब कि अपने स्टोर को थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं। कोई नहीं, अभी इस गाड़ी को यहाँ पर लगा देते सुपरा के बाजू मेरे बाबा। अभी इन सभी कार्स में ना मेरे को टंकी भी फुल करवानी है, मतलब कि फोकट में अपन गाड़ी दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपन गाड़ियों के में से पेट्रोल निकाल लेंगे, नहीं, अपन गाड़ियों की टंकी फुल करके देंगे आज। आज कस्टमर जो भी आएगा ना वो यार बहुत ही खुश होकर जाने वाला है। और अभी इस छोटे से बीटल को अपन यहाँ पर लगा देते हैं। लग जा रहे बाबा, लग गए। ओके, बीटल को यहाँ पर लगा दिया। अभी इन सभी में पेट्रोल फुल करते हैं, इसमें भी फुल कर देते हैं सिटी में। ये ड्रिफ्ट कार है, और ये वाली रेस कार है, ये वाली भी ड्रिफ्ट कार है, सुपरा रेसिंग कार है जिसमें मैंने, और ये वाली भी रेसिंग कार है। ये दोनों कबाड़ है टेस्ला का, इसको अपन पसंद नहीं करता, और मेरे को मालूम है मेरी ऑडियंस भी पसंद नहीं करती ईवीज़ को। वी ऑल हेट ईवीज़। ओके, अभी इन सभी कार्स को मैंने कर दिया फ्यूल। अभी ना मैं तुम्हें ना अभी मेरी कार को मैं अंदर लगा देता हूँ। ओह वाह, वेरी गुड, मेरी कार को मैंने दिया वर्कशॉप पर। यार गलती हो गई, अब चल कर जाना पड़ेगा वर्कशॉप पर। कोई नहीं, अभी ना मैं तुम्हें दिखाता हूँ सभी कार्स की प्राइस। सो लेट्स गो। अभी ये देख लो, अपने पास ना अराउंड 10 कार्स है, जिसमें से एक कार मेरी कहीं पे घूम चुकी है, एक मेरी RX 7 और अभी एक मेरी लैम्बोर्गिनी कॉन्टैच घूम चुकी है, जो अराउंड $2 लाख की थी, मैंने घुमा दी है उसे, नहीं मेरे को मिल रही है अभी इस मैप में कहीं पे भी। खैर कोई नहीं, अभी बात कर लेते हैं अपन गाड़ी। ओके, अभी अपन बात करेंगे लैम्बोर्गिनी कॉन्टैच। ये मेरे को देख रहे हो तुम लोग, ऑलमोस्ट $6 लाख की पड़ी है। सो इसको तो मैं अभी नहीं बेच सकता, अभी मैं बेचूंगा, बट इसको ना मैं बहुत ही मेरे को जितने में पड़ी है मैं उतने में बेचूंगा, मतलब कि प्राइस टू प्राइस डील होगी। अभी ये होंडा सिटी है जिसको मैं बेचने वाला हूँ $0 में। जी हाँ, ये $0 में, और मेरे पास ऐसी दो है, तो दोनों को ही मैं बेच दूंगा $0 में। मतलब कि यार इसमें अराउंड मेरे 7,000 रुपये लग चुके हैं, और मैं गाड़ी $0 में बेच रहा हूँ। ये है अपनी टोयोटा सुपरा, जिसको मैं बेचने वाला हूँ मात्र $25 में।
मतलब कि यार तुम लोग देख रहे हो घाटा करवाने का कितना शौक है मेरे को। खैर कोई नहीं, अब और अभी अपन अपनी कौन सी कार है भैया, मैं भी भूल गया, टेस्ला मॉडल 3 को मैंने बेच दिया $85 में, मतलब मैं बेचने वाला हूँ, बेच कहाँ दिया। अब मिलता हूँ तुम्हें सीधे सुबह के टाइम पर। मॉर्निंग गाइस, तो यार मैं फाइनली पहुँचने वाला हूँ अपने ऑफिस पर, और यार मुझे तो लगता है आज के दिन ना बहुत ही ज़्यादा कस्टमर आ चुके होंगे। ओ भाई, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेट आ चुका हूँ ऑफिस में। देख रहे हो तुम लोग भीड़ देख रहे हो एक बार, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इतनी भीड़ तो आज तक मैंने ना देखी अपने शोरूम पर। और यार ये ऑब्वियस सी बात है, इतनी सस्ती गाड़ियाँ मैं बेच रहा हूँ इसलिए ये सारी भीड़ आ चुकी है। अभी अपनी जल्दी से RX 7 को यहीं पे पार्क करते हैं। और हाँ, होंडा सिटी का सिंपल फंडा है, पहले जो भी कस्टमर पहले आएगा उसी में बेच दूंगा। जैसे कि आंटी आ गई, इन्हें $0 में पटवट इसे पसंद आ रही है, सो ये उठा गई। और यहाँ पर टेस्ला मॉडल 3 को भी देखने दो आंटी, तीन जने आए, बट मुझे लगता है ये आंटी को ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए मैं इस आंटी को $42 में टेस्ला दे रहा हूँ। और यहाँ पर भी एक बिजनेसमैन अंकल आए, भैया तू कहाँ है, कहाँ घुस गया? कुछ भी यार, कोई भी बंदा आ जाता है भैया, अमीर से अमीर कोई नहीं, इसे भी $85 में दे दी। और भैया बॉडी बिल्डर की हालचाल, तुझे गाड़ी पसंद आ रही है $12 दे और ले जा। देखो मैंने पोर्श के और लैम्बोर्गिनी के प्राइस थोड़े हाई रखे क्योंकि ये दोनों गाड़ियाँ मेरे को भी महंगी पड़ी है, और मैं इसे सस्ते में बेच दूंगा तो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इस टोयोटा सुप्रा नहीं, ये लॉर्ड एस्कॉर्ट, इसे मैंने $2 में बेच दिया। और लैम्बोर्गिनी कॉन्टैक्ट जो कि मेरी सबसे महंगी कार थी यहाँ की, और वो मैं बेचने वाला हूँ $6,00,000 में, क्योंकि मेरे को भी $6,00,000 में आफ्टर मॉडिफिकेशन पड़ी थी, सो बेच दिए। और भैया की हालचाल, टोयोटा सुप्रा ले जाओ MK5 मात्र $25 में। जी हाँ दोस्तों, उठाओ इस गाड़ी को। और यार आज के दिन ना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारी महंगी महंगी कार्स बिक गई, $0 वाली और $2 वाली कार बिकी नहीं रही। और हाँ, इसको ना अराउंड में $2,00,000 में बेच दूंगा जिसको, ओके इसे ये $232,000 दे रहा है। चल भैया, मेरी महंगी महंगी कार्स बिक गई, अब सस्ती वाली रह गई ऑफिस में। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मेरी मज़्डा RX 7 बहुत महंगी है, इसके अराउंड कोई $10 million भी दे तो भी मैं ना बेचूँ, मेरे को पसंद है रे ये कार। इसको भी यहाँ पर पार्क करते हैं अच्छे से, और देखते हैं कोई कस्टमर आता। आ गई आंटी आ गई, जी दीदी 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 ये गाड़ी ले जाओ मात्र $82 में, आपके महीने की पॉकेट मनी आपकी कार ले जाओ। ओके अभी फ्री वाली कार ही अभी तक नहीं बिकी, मतलब देख रहे हो आयरनी। और यार आज के दिन ना मैं करने वाला हूँ अपने ऑफिस को अपग्रेड। या जी हाँ दोस्तों, आज के दिन अपन ने कर दिया अपने ऑफिस को Level 3 पर अपग्रेड। और मैं तुम्हें अपना घर भी दिखा देता हूँ। यार मैं बहुत ही आलिशान बंगले में नहीं रहता, मैं झोपड़े में ही रहता हूँ, और ये अपनी ऑफिस है जिसको मैंने थोड़ी बहुत मॉडिफाइड की थी। तुम लोगों को मैंने वो वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे वो लगा नहीं कि वो वीडियो बनाने लायक है इसलिए। और मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ, रुको। ये है मेरा घर जहाँ पर मैं सोता हूँ, और यहीं पे मैं अपनी कार्स को लाता हूँ। खैर कोई नहीं, अभी यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी जगह मैंने बढ़ा ली यार, मतलब मेरी कार ना एकदम ही टच होकर खड़ी हुई थी वहाँ पर, और ये यहाँ तक आ गई। और यहाँ पर तो अभी अपन चाहे तो 20 से 25 कार ला सकते हैं। खैर कोई नहीं, ओ भाई लास्ट कार का कार का ग्राहक आ गया, भैया मैं इसको गाड़ी भेज देता हूँ, एंड बाद में अपन इस शोरूम को बंद कर घर पे चले जाएंगे। लेट्स गो। और भैया की हालचाल, कैसे हो, फ्री में गाड़ी ले जाओ, आपके लिए लाया हूँ मैं। जी हाँ दोस्तों, ले जाओ भाई ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए गाड़ी। इसको भी फाइनली मैंने पकड़वा दी, एंड नाउ इट इज़ टाइम टू गो। दोस्तों मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, मेरी RX 7 कैसी लगी तुम लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।